हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल ओके मोफिली अकेडमी। तो हम सीबीएसई का स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर दे चुका हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पे। देखो, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, टोनेटिंग हुआ, एक्सेप्टिंग हुआ, या जितने भी इफेक्ट हमारे लगते हैं, वो तभी लगते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। तो आज की जो क्लास है, मैं बिल्कुल जीओसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये सारी कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम के बीच में डिफरेंस ला देती है। अब अगर सपोज करो कि सारे इस दुनिया में सबके पास पैसे होते, सब धनवान होते, तो सब इक्वल होते, तो उसे एक दूसरे के साथ क्या मतलब रहता? भाई कोई मतलब नहीं होता ना। कोई किसी से ऊपर नहीं हो सकता था, कोई किसी से नीचे नहीं हो सकता, सब इक्वल होते। वही है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दुनिया में नहीं होती तो सब कुछ चीज स्मूथ होती, सब इक्वल होते। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दुनिया में आई, इसने दो एटम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया और उसी से ही सारे रिएक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हें पहले जीओसी पढ़ाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुम जीओसी में सीख गए या जीओसी बिल्कुल अच्छे से तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गए, छोटे छोटे पॉइंट, तो फिर तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही तुम्हें कोई कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही एक अप्रोच से दूसरे अप्रोच पर जंप करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल। अब देखिए, इस दुनिया में जब हम जीओसी पढ़ते हैं या कोई भी एनी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, कोई भी एनी रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज करो हमारा A प्लस B आपस में रिएक्ट करके C बना रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन पे हमें यहाँ पर ऊपर सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पर जो A पार्ट है उसमें हम इसको बोल देते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट। और जो B हमारा पार्ट है हम उसको बोल देते हैं रिएजेंट, या हम बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट, जो एक उसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखो, सिंपल सी तुम्हें ये रिएक्शन दिखने बड़ी इजी लग रही है। तुम क्या कह रहे होगे कि एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, एक रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा ये जो सी है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके दे देगा। लेकिन जितनी चीज तुम्हें आसान दिखती है ना, इतनी आसान होती नहीं है। अब होता क्या है कि इनिशियली जो ये सबस्ट्रेट होते हैं और ये अटैकिंग रिएजेंट होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के लिए ये कहानी बस इस तरीके की है कि जब तुम किसी लड़की के लिए, लड़के के लिए लड़की ढूंढते हो, तो तुम्हें हमेशा एक बीच में मेडिएटर चाहिए, भाई जो दोनों चीजों को मिला सके। भाई लड़का लड़की ऐसे हवा में तो मिल नहीं गए, कोई ना कोई बीच में ऐसा मेडिएटर रहा होगा जिसे तुम बिचौलवा भी कहते हो। वो क्या करता है? इन दोनों का मिलाप कराता है। मिलाप कराने के बाद इनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, वही हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। सिंपल सी कहानी यही है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये मान लो तुम लड़का, और जो ये रिएजेंट है ये मान लो लड़की, और जो ये सॉल्वेंट है ना ये हमारा बिचौलवे का काम है। अब इस सॉल्वेंट का वर्क क्या होता है कि जो सॉल्यूट ये है, जो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट है, इन दोनों का मिलन करवाता है। क्या करवाता है? मिलन कराता है, और ये एक मेडिटेटर की तरह बिहेव करता है, एक मेडिटेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्वेश्चन जो तुम्हें सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, इनसे ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये कंसेप्ट सारे यूज होने हैं तुम्हारे। अब देखो, मेडिएटर मिलाप करा दिया। अब मिलाप कराने के बाद तुम्हें लगता है कि सर मिलाप तो हो गया, अब तो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनता। अब जब इन दोनों का मिलाप हो जाता है तो मिलाप करने के बाद आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद दो चीज प्रोड्यूस होती है कि ये हमारी रिएक्शन दो तरीके से जा सकती है, या तो उस रिएक्शन में कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट बन गई हो। क्या बन गई हो? ट्रांजिशन स्टेट, या फिर उस रिएक्शन में कोई ना कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया हो। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। अब देखो, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और इंटरमीडिएट क्या होती है। अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, ओल्ड जितने भी यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। दो चीज होती है भाई, इधर सबस्ट्रेट में क्या चीज चल रही होगी कि जो ओल्ड बॉन्ड है, पुराने वाले बॉन्ड है, उनका ब्रेकिंग चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और ए और बी के बीच में, या मैं सी ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दूँ कि चलो ए और बी इन्होंने आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लिया, और प्रोडक्ट की साइड में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे होंगे। अब देखो, ये कहानी तब होती है ओल्ड बॉन्ड
ब्रेक होते हैं और न्यू बोन फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो कहानी ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, ये दो तरीके से जा सकती है। एक तरीका तो ये है कि पहले सारे के सारे बोन टूट गए पुराने और उसके बाद नया बोन फॉर्मेशन हो सकता है। अगर पहले सारे के सारे ओल्ड बोन टूट गए तो वो इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू जाता है। अगर वो सारे के सारे बोन नहीं टूटे, मतलब इधर से टूट रहे हैं इधर से जुड़ रहे हैं, इधर से टूट रहे हैं इधर से जुड़ रहे हैं, मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जैसे तुम एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में दो तरीके हैं। अब तुम्हें क्या करना है, बाल्टी में पानी भरना है और उससे पानी बाहर भी निकालना है। या तो तरीका यह है कि तुम एक बार से पानी पूरा बाहर निकाल दो, खाली कर दो, या दूसरा तरीका क्या है कि जब तुम ऊपर से पानी डालो तो उसमें नीचे से छेद कर दो। वो जैसे पानी डालते रहोगे नीचे से जाता रहेगा, नीचे से जाता रहेगा। तो जो ऊपर से डाल रहे हो नीचे से जा रहा है, दोनों काम क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना। ऊपर से डाल रहे हो नीचे से जा रहा है, तो उस काम में जो साइमल्टेनियसली होते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि जब हमारे बोन फॉर्मेशन और बोन ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहे हो। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो। साइमल्टेनियसली बोले तो एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली बोले तो एक साथ हो रहे हो। लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट में ये होगा कि पहले पुराने बॉन्ड सारे टूटेंगे और उसके बाद नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो इंटरमीडिएट में हमारे बहुत टाइप के इंटरमीडिएट आते हैं। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ कार्बोकटायन और कार्बो अनायन ही इंटरमीडिएट है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल है। सिंपल सा, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम इंटरमीडिएट का नाम बोल देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। कटायन देखो, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कटायन। क्या किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के, तो क्या बन गया, कार्बोकटायन। अगर इसी के ऊपर हम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, कार्बो अनायन। क्या बन जाएगा, कार्बो अनायन बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन के ऊपर अगर हम एक रेडिकल लगा दें, फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, कार्बो फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, कार्बो फ्री रेडिकल बन गया। सिंपल सी बात है, इतनी सारी चीजें हो सकती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि बोन फॉर्मेशन बोन ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब है कि उसमें पहले पुराने बोन टूट चुके, उसने एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया और इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा, तब हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बात समझते हो। अब आइए, इस पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इन सब की जानकारी भी सीक्वेंस वाइज में देते चल रहा हूं। और दूसरी बात ध्यान रखो, जब तुम नोट्स बना रहे हो या मेरी क्लास ले रहे हो, किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो, हम तुम्हें नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे, हम कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगा कि जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो साथ के साथ सारे नोट्स बनाते हुए चलो। एक A4 इतनी बड़ी मोटी सी स्पाइरल से कॉपी ले लो, 100 रुपये की आ जाएगी, सारी केमिस्ट्री उसमें सिमट के रह जाएगी तुम्हारी। और ये नोट्स तो ऐसे होंगे कि तुम्हें लाइफ टाइम याद रखने हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आएंगे वहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज होने हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, कि जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर इसका क्या मतलब होता है, और जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका क्या मतलब होता है, चलिए बता देते हैं। देखो, कभी भी अगर तुम्हें किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी। देखो, ये एक कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या कोई भी एक एटम हो एक्स वाई जेड, मैं तुम्हें कोई भी एक एटम ले रहा हूँ कि कोई भी एक एटम हो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, या कोई भी एक एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहीं अगर कार्बोनायन की बात करें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या कंसेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल PHILE। देखो, न्यूक्लियोफाइल को हम NU नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं।
सिंपल है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दुनिया में जितने भी एटम है ना, अगर उनके ऊपर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, समझे। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैं बढ़ाता चला जाऊं, ए प्लस थ्री कर दूं या ए प्लस फोर कर दूं, जिसके ऊपर चार्ज बढ़ाता ही चला जाऊं, ठीक है। ऐसी कोई क्लोरीन एटम हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, NO2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या SO3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी के भी ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। H3O पॉजिटिव, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफाइल की तरह बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों के दोनों अटैकिंग रिएजेंट है। जो हमारा सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो हमारा सबस्ट्रेट है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो डेफिशिएंट हुआ तो उस पर अटैक कौन करने जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और हमें उसकी डेफिशिएंसी को कम करना है, और डेफिशिएंसी को कम कौन करेगा, जब उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, इस दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता। अगर किसी के पास कमी है, पैसों की कमी है, तो वो चाहेगा कि मेरे पास और पैसे आए, चाहेगा। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे, तो वो चाहेगा कि यार इन्हें खर्च करूँ, खर्च करूँ, खर्च करूँ। तो यही कहानी है, जो ये है ना इलेक्ट्रोफाइल, ये है भूखे नंगे, और ये है ना ये न्यूक्लियोफाइल, ये है अंबानी। अंबानी क्या करता है, कुछ ना कुछ निकालता रहता है। जियो निकाल दिया, जितना सस्ता नेटवर्क कर दिया, पहले हमारे टाइम पे, तुम्हारे तो अभी टाइम हुआ है ना, हमारे टाइम पे क्या था, दो तीन साल पहले क्या क्या था, बिल्कुल जो डाटा था 200-200 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था, 200 रुपये में देख लो, और डेली का 1 GB डाटा मिलता है, फ़र्क देख रहे हो, एक महीने में 1 GB और डेली का 2 GB मिल रहा है, तो इतना डिफरेंस आ गया। तो ये क्या है, साले अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है। तो यही हमारे न्यूक्लियोफाइल। अब सामने सब्सट्रेट कौन है, अब सामने वाला अगर भूखा आ रहा है, देखो ये तुम्हारे पास कोई सब्सट्रेट मान लो, सपोज करो ये सब्सट्रेट है, और इस सब्सट्रेट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर अटैक करने न्यूक्लियोफाइल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल जाएगा, क्योंकि ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हमारा सब्सट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होता तो हमारा क्या जाता, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाता, कि चल भाई इसको लूट के लाता हूं मैं, सिंपल है, समझे बात को। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल दुनिया में वो सारे अनायन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे, जैसे तुम कोई भी ले लो, ए नेगेटिव या OH नेगेटिव या O2 नेगेटिव, और भी ले लो H नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, या जितने भी जिनके पास लोन पेयर भी होते हैं, जिसके पास लोन पेयर भी, लोन पेयर भी क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही दिखाते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H2O हुआ, वाटर के पास क्या है, दो लोन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसे ही अमोनिया NH3, इसके ऊपर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसे ही तुम बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हो, OH ग्रुप ले सकते हो, ये भी तो होता है। ऐसे ही RCH2OH लेते हो, एल्कोहल लेते हो, कोई भी ले लो, ये तो सिंपल पता है ना तुम्हें, इसको वाटर बोलते हैं, इसको अमोनिया, इसको OH ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, इस तरीके से। बाकी मैं कराऊंगा नोमेनक्लेचर, टेंशन मत लो, जीओसी कंप्लीट होने के बाद कराऊंगा। हो गया, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। अब देखो, अब कहानी क्या आती है, ये तो सिंपल थी कि कभी कोई रिएक्शन में सब्सट्रेट होगा तो उस पर अटैक करने या तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब वो सब्सट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो हमें दिखाता है इंडक्टिव इफेक्ट, या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें किस प्रकार से डिस्पर्ज है। डिस्पर्स मतलब फैली हुई है, कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बात ठीक है। अब ऐसे देखो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट हुआ। अब ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंसिपल। क्या, अगर मैं देखो सारे एटम की बात करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन, सल्फर,
आता है, इसके नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस। मैक्स टू मैक्स तुम्हें यही मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर मैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, मैग्नीट्यूड में बात करूँ, तो देखो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4.0, ठीक है। अब देखो जैसे ही तुम पीछे चलोगे ऑक्सीजन पे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 0.5 डिक्रीज करते हुए जाना है, कितना 0.5 डिक्रीज करते हुए जाओ, तो 0.5 डिक्रीज करोगे तो 0.5 डिक्रीज करोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की होती है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पे आओ, फिर से 0.5 कम करो, तो इसकी होती है 3.0। अब फिर से इस पे आओ कार्बन पे, कार्बन की कितनी हो जाएगी 2.5। बोरोन पे आओ, बोरोन की कितनी हो जाएगी 2.0। इसकी कितनी हो जाएगी 1.5, और इसकी कितनी हो जाएगी 1.0। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इनका स्केल भी होता है निकालने का, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। अगर कभी तुम भूल जाओ कि हमें नहीं पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो सिंपल सी ये सिक्वेंस याद रखो, हो जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो सिंपल सी बात तुम्हें क्या पता लगी कि जो कार्बन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, बाकी जितने भी हैं। अच्छा और भी बताओ, तुम्हें ये भी कन्फ्यूजन रहती है। अब नीचे आ जाओ, देखो फ्लोरीन से नीचे आए, फिर से 0.5 कम कर दो, फिर से क्या कर दो, कम कर दो। तो कम करोगे तो अब की बार तुम्हें 1 कम करना है, 1 कम करना है, कितना 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करोगे तो इसकी कितनी होती है 3.0, तो इसकी कितनी हो जाती है 2.5, इसकी कितनी हो जाती है 2.0। अब देखो तुम्हें क्या लगता है कि जो नाइट्रोजन है और जो क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है 3.0। लेकिन अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन में बात करूं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है क्लोरीन से। अगर क्लोरीन की मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, टू बी एक्यूरेट, तो क्लोरीन की होती है 2.99, तो 0.1 का कम हो गया। अब देखो, अब तुम क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि सर नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन का साइज होता है ना, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्या बोलोगे इसको, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज रहेगा, तो स्मॉल साइज होने से देखो एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके आउटर मोस्ट है, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, और ये इसकी आउटर मोस्ट हो गई। अब देखो मुझे बताओ कि आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन का होल रहेगा न्यूक्लियस का, इसमें ज़्यादा रहेगा कि इसमें ज़्यादा रहेगा, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, मतलब किसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं तुम्हें बोल दूँ, तो सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, और फिर क्लोरीन आता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो सिंपल सी बात कहाँ होती है, सिंपल सी बात ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का भी यहीं से पता लगता है। कैसे पता लगता है, देखिए सपोज करो तुम्हारे पास कोई कार्बन की चेन है, देखो ध्यान से, अब तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये तो पता लग गया तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि सबस्ट्रेट में लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखो अब सपोज करो तुम्हारे पास कोई कार्बन की चेन है, क्या है, कार्बन की चेन, लो कार्बन की चेन बना देता हूं मैं, ये देखो कार्बन की चेन है, सी 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 सी, और ये हमने लगा दिया इसके ऊपर जी ग्रुप, ठीक है। आप देखिए एक कार्बन की चेन और है, सी 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 सी, और हमने फिर से लगा दिया एक जी ग्रुप। अब देखो अगर ये जी ग्रुप, ध्यान से सुन लो, अगर ये जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हुई, मतलब अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हुई, तो जब कार्बन से ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, ये बीच वाला, तो इस बॉन्ड से ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, तो इनके ऊपर पार्शियली चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है बहुत कम, मतलब ऐसे पार्शियल फॉर्म में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेशक इस पर अगर सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि इसके पास 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस कार्बन पर भी फर्क पड़ेगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस के 2 पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस पर कितना आएगा, प्लस के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही थोड़ा कर कर करके इन पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। बेसिकली जो ये ग्रुप है ये क्या कर रहा है, एक चार्ज इंड्यूस ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक चार्ज इंड्यूस ही तो कर रहा है। कैसा चार्ज इंड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि उस चेन पे नेगेटिव आई इफेक्ट लग रहा है। कैसा इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव आई इफेक्ट लग रहा है। नेगेटिव आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिंपल सा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। तो उससे क्या हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब इस जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से हाई थी, तो जितने भी मैंने पीछे तुम्हें सारे लिखाए ना उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा हो, किसकी, जिसकी भी कार्बन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की कितनी होती है 2.5, अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है तो वो सारे के सारे ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, है ना, मजे की बात। और उसमें कौन कौन से आते हैं, वो उसमें सारे आ गए। कौन कौन से आ गए, देखो जो नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होंगे, वो सारे के सारे कौन से, स्टार्ट करो पहले, स्टार्ट चलो, फ्लोरीन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब देखो वो सीक्वेंस थी ना, बस वो 2 तक ही बताई थी मैंने कि नीचे किया तो 3 आ गया, लेकिन जितने भी हैलोजन आए थे वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं। उसके बाद जितने भी ग्रुप हो गए, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनोइड ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड OCH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या दिखाएंगे, नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे। वो इस कार्बन चेन में क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे। अब कहोगे सर इस पॉजिटिव चार्ज का फर्क क्या पड़ा, फर्क भाई ये पड़ा कि अब हमें सपोज करो कि ये सब्सट्रेट है और हमें किसी की रिएक्शन करानी है, ठीक है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमने उसमें 2 चीज़ें डाली, एक इलेक्ट्रोफाइल डाला, एक न्यूक्लियोफाइल डाला, ठीक है। तो जब मुझे रिएक्शन करानी है तो मुझे बताओ कि इस सब्सट्रेट पे कौन रिएक्शन करने जाएगा, भाई इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें इसके ऊपर अटैक करने किसको भेजेंगे, न्यूक्लियोफाइल को भेजेंगे। वो न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा, उनको भाग भाग बाहर के न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इसके बाद हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रुप था, तो वो सारे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है वो सारे के सारे नेगेटिव आई इफेक्ट बोल लगाते हैं, और इन्हीं को ही हम, जितने सारे ग्रुप जितने भी नेगेटिव आई इफेक्ट लगाते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, ऐसे सारे ग्रुप जो हमारे नेगेटिव आई इफेक्ट लगाते हैं उन सारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए हो गई बात, वो सारे के इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस पे, ये था केस नंबर फर्स्ट, समझे। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज होगा। सेकेंड, अब देखो सेकेंड केस में क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जो एक कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो इस जी ग्रुप से, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ, हो सकता है ना। तो जब कभी भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5, अगर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है,
क्या है, 2.5 से कम है, तो हमारा जो ग्रुप रहेगा वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। कैसे? अब यहाँ पे देखो, इस G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। जब कार्बन से कम है तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हुई होगी उस पर कार्बन का होल्ड ज़्यादा रहेगा, और जब कार्बन का होल्ड ज़्यादा रहेगा तो कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही इस कार्बन पर पार्शियली जनरेट हो जाएगा, ऐसे ही इस कार्बन पर, ऐसे ही ये होता चला जाएगा। तो इस ग्रुप का इफेक्ट देखने को हमें हर कार्बन पे मिलेगा चैन पे, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, इतना कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। देखो, जैसे सपोज करो कि ये हमारा, ये देखो, ये है, ठीक है, और ये आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है, ये आदमी बैठा है, ठीक है, ये है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो इसकी बगल में होगा उसके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और जो इससे दूर होगा उसके ऊपर कम इफेक्ट डालेगा। इसीलिए जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए, अब इस केस में वो सारे ग्रुप जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, या वो सारे के सारे क्या लगाते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। देखो, अब ध्यान से सुन लो, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो सारे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी से, कार्बन से कम होगी, तो उसमें कौन कौन आ जाता है? जितने भी मेटल होते हैं ना इस दुनिया में, मेटल जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या जितने भी एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ये सारे के सारे कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। उसी के साथ हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटेरियम हो गया, ये भी सारे के सारे क्या करते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं। उसी के साथ साथ अगर कार्बन के साथ मैं क्या लगा दूँ? CH3 ग्रुप लगा दूँ, ये CH3 ग्रुप लगा दूँ, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दूँ, ये सारे के सारे, या इस सी के साथ मैं कोई और एक नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप लगा दूँ, तो वो भी सारे के सारे इसके ऊपर क्या लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हारा या नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। अगर ना हुआ करे, कोई डाउट हुआ करे, तो कॉर्नर में लिख लिया करो और फिर मुझे फ़ोन लगा दिया करो। साथ के साथ नहीं, आराम से जब सर पूरा लेक्चर देख लिया करो, फिर आराम से शाम को फ़ोन कर लिया करो, मैं सारे डाउट तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और जिस टीचर से डाउट आ रहे हैं, मतलब पूछ तो किसी से भी सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो, दीपक सर से भी पूछ सकते हो, लेकिन जिस टॉपिक से आ रहे हैं, अगर दीपक सर के टॉपिक से आ रहे हैं तो प्रीफर क्या करो? दीपक सर से पूछो। अगर दीपक सर अवेलेबल ना हो तो फिर मेरे पास आ जाया करो, अगर मैं अवेलेबल ना हूं तो फिर दीपक सर के पास। मतलब तुम्हें कमी नहीं आएगी, तुम बस अपने डाउट लाओ, हम क्लियर करेंगे, कोई भी करो। ये था इंडक्टिव इफेक्ट का रोल, कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगता है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और ये जितने भी ग्रुप होते हैं, चलिए